हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आर यू ऑल एबल टू लिसन टू मी? जल्दी से बता दो बच्चों, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को, हाय एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? गाइस, आई थिंक गलती से 10 बजे का जो टाइम था वो सेट हो गया था, बट नाउ आई हैव रेक्टिफाइड दैट। तो हमारी जो क्विज है वो 9 बजे ही स्टार्ट होगी, ठीक है? चलो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग तो ले लो सर, बेटा गुड मॉर्निंग ले ली तुम्हारी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो, वेरी गुड। तो जो बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेंटी को इसको ज्वाइन नहीं करा है कोड के थ्रू, तो मैं उनको एक बार कोड बता देता हूँ। तो मेंटी को इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो बच्चों, ठीक है? कोड आपकी स्क्रीन पे बच्चों ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे जाएगा, मैं चैट स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ एक बार। यू कैन ज्वाइन मेंटी क्विज बाय इंस्टॉलिंग मेंटीमीटर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। एंड यूज द कोड विच इज फोर सेवन फोर जीरो नाइन सिक्स एट सिक्स। You can also go to www.menti.com and use the code. सबको मैंने कोड बता दिया है, लव यू एवरीवन। क्लास को जल्दी से बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से बताता आया हूँ बच्चों, कि आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और सभी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन जो है उसको पीक तक ले जा पाए। और अपनी प्रिपरेशन को पीक तक ले जाने के लिए एक मीडियम, बहुत बड़ा मीडियम है, और वो है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। जो बच्चे भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेक श्योर वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन की मदद से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये बात मेरी, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और बच्चों, आज हमारी मेंटी क्विज जो है वो लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर की है, और आशा करता हूँ कि तुम सभी लोगों ने उसको प्रिपेयर अच्छे तरीके से किया होगा। अगर कोई भी नया स्टूडेंट है तो मैं सबको बता दूं, 11th क्लास की पूरी इंग्लिश प्रिपरेशन करने के लिए आप 11th क्लास की मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। मेरी 11th क्लास की इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। इसके बाद बच्चों बात आती है टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो जिसने भी नहीं करा है, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस की अपडेट जो है मैं वहां पे देते रहता हूँ, ठीक है भाई? और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स के बारे में ज्यादातर लोगों को तो पता ही है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस आपको सारे कोर्सेज का मिलता है। दूसरी चीज, अगर मैं कोई भी क्लास स्पेशल ऐप पे ले रहा हूँ, नो मैटर प्लस या स्पेशल, वहां पे आप आंसर कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को और मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। और व्हाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, मैं आपको रेक्टिफाई करके ये भी बता सकता हूँ कि आपकी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, जिससे आपकी प्रोग्रेस का लेवल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, और टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं,
और साथ के साथ सारे के सारे कोर्सेस का आप लोगों को एक्सेस मिलता है, और ज्यादा फीस भी नहीं है, बहुत ही कम फीस है। 15 महीने 11th और 12th दोनों का अगर तुम करना चाहते हो प्रिपेयर, तो आपकी फीस 18,000 है, जिसमें से 1,800 आपको ऑफ मिल जाएगा। और 15 महीने का लेना है तो मैं तो कहूंगा 12 महीने का लो, क्योंकि इस वक्त 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे 12 महीने का लेने पे। तो 15,000 मतलब 13,500 रुपये में आप ये मान लो 12 महीने का आपको मिल जाएगा, और उसमें 4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब 16 मंथ का वो हो जाएगा। और मेरा कोड लगाना नहीं भूलना, SUTH10, जो तुम्हारे सुमित भैया का कोड है आयनी का। और बच्चों अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको एक पर्सनल एजुकेटर मिलता है, जो आपको पर्सनली गाइड करता है, आपके साथ पर्सनली मीटिंग्स करता है और आपके डाउट्स को क्लियर करता है, और साथ के साथ आपकी स्टडी स्ट्रेटजीज को डेवलप करता है, जो बहुत ही बड़ा एक यू नो रीजन होता है कि बच्चे जो है वो टॉप कर पाते हैं, दे कैन टॉप देयर स्कूल एग्जाम, ठीक है, और यहाँ तक कि बोर्ड्स को भी फोड़ के आ सकते हैं। तो यहाँ पे 15 महीने का सब्सक्रिप्शन है 32,000 का, 12 महीने का 28,000 का, लेकिन डोंट फॉरगेट ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, तो इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली, ये बहुत ही चीप है। अगर सारे सब्जेक्ट्स को आप देखोगे और ये देखोगे कि आपको पर्सनल एजुकेटर मिल रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप है, इस बात को ध्यान रखो। और 27 सितंबर तक दैट वॉज अवेलेबल, बट नाउ आई थिंक इवन नाउ यू कैन गो फॉर दैट, दैट इज़ कि अगर तुम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम्हें 4 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। आज की मेंटी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया मेंटी आज किस चीज के ऊपर है, आज लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर के ऊपर है, और आशा करता हूँ सभी लोग जो हैं वो रेडी होंगे मेंटी के लिए, उन लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। ये बताओ भाई प्रिपरेशन कर ली तुम लोगों ने? गुड मॉर्निंग मायरा, गुड मॉर्निंग बीपी गेमिंग। बेटा कौन सा 11th क्लास का बच्चा ऐसा है जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सोच रहा है? जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग देविका, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तेरह बच्चों ने मेंटी ज्वाइन कर लिया है अभी तक, दैट्स रियली ग्रेट। 14, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 15, मायरा अगर आप प्लान कर रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है, वेरी गुड। जिस बच्चे को भी ये चाहिए कि यार मुझे पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, मेरी लाइन टू लाइन जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ, सर आप मुझे रेक्टिफाई करो, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ कि मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, तो ये चीज़ मैं पॉसिबल करूँगा आप लोगों के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। गुड साहिल, हाउ आर यू? हाय साक्षी। तो जो भी बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं बच्चों, प्लस सब्सक्रिप्शन लो, विचार करने के साथ साथ एक बार लेके भी देखो, क्योंकि इससे तुम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की मेंटी को हम, ठीक है, वेरी गुड। चलो लैंडस्केप ऑफ द सोल बच्चों चैप्टर का नाम है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन है चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स डैश पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स डैश पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, पैसिव इमोशनल एक्टिव और मेथोडोलॉजिकल। आपका आशीर्वाद लेने आया हूं सर, आज बायोलॉजी का पेपर है 10 बजे से, तथास्तु तथास्तु, तुम ही फोड़ के आओगे। बेटा एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द करेक्ट आंसर हियर, कि जो चाइनीज आर्ट होती है वो व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे तेज आंसर जिस बच्चे ने दिया है वो मायरा ने दिया है, वेरी गुड मायरा, तुमने तो फोड़ के रख दिया। अर्पण कुमार, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है 5वें नंबर पे है, टेंथ नंबर पे है इस बार। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
गुड मॉर्निंग शहनाज खनाम, गुड मॉर्निंग प्रिया, व्हाट पाथ डज द चाइनीज पेंटर्स आर्ट क्रिएट, चाइनीज पेंटर की जो आर्ट है वो क्या पाथ क्रिएट करती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन एंड देन बैक अगेन। कुणाल सिंह मैंने चैट स्क्रीन पे मेंशन कर रखा है, आप देखो कैसे ज्वाइन करना है। 16 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रेवल अप एंड डाउन एंड देन बैक अगेन। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। आनंद है भाई हैवी ड्राइवर, और हैवी ड्राइवर ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हैवी ड्राइवर जो है वो 8वें नहीं 9वें नंबर पे है। मायरा ने अपनी पहली पोजीशन को मेंटेन करके रखा हुआ है, अदीबा 3rd नंबर पे है और प्रथम 5वें नंबर पे है। चैट स्क्रीन पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है सुमित ठाकुर के नाम से, कुणाल सिंह देखो एक बार कि आप मेंटी को ज्वाइन कर सकते हो, मेंटीमीटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, जहां आपको ये कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। हाय आयुष। बच्चों जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ सोचना नहीं है, कर डालना है, क्योंकि इससे तुम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इस बात को ध्यान रखना, इतनी ज्यादा हेल्प होगी तुम्हारी कि 12th क्लास के अंदर फोड़ के जो आने का काम है वो तुम ही करोगे एग्जाम को, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे बहुत ही तगड़े तगड़े मार्क्स आएंगे, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों को A1 गाइडेंस मिलेगी सभी टीचर से। तो केव जो थी वो ओपन कैसे हुई थी, कब हुई थी, जब पेंटर ने अपने हैंड्स को क्लैप किया था तो केव जो थी वो ओपन हुई थी, है ना। 15 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे, और इस बार तेज आंसर किसने दिया है देखते हैं हम। तेज आंसर दिया है आदित्य ने, आदित्य लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हैवी ड्राइवर भी हमारे 8वें नंबर पे आ गए हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव, कि पेंटर के अकॉर्डिंग केव में क्या चीज ड्वेल करती थी, स्पिरिट मैजिक मिस्ट्री ड्रैगन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पेंटर ड्वेल्स इन द केव, केव में क्या ड्वेल करता था, स्पिरिट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों मैजिक और मिस्ट्री नहीं होगा यहाँ पे, जिसने भी मैजिक और मिस्ट्री बोला है, स्पिरिट इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए चैप्टर का नाम भी तो लैंडस्केप ऑफ द सोल है ना, सोल मतलब स्पिरिट से बात हो रही है, यहाँ पे स्पिरिट की बात हो रही है। और यहाँ से मायरा से आंसर गलत हो गया है, गलती से मायरा से आंसर गलत हो गया है, देविका से भी आंसर गलत हो गया है, और साक्षी ने अब टॉप पोजिशन को हासिल कर लिया है, और सहिष्ठा जो है वो 9th नंबर पे है, देविका 7th पे आ गई है, मायरा पहले से 5वें पे पहुंच गई है, और अदीपा ने फास्टेस्ट आंसर दिया है यहाँ पे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटवर्प, अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैट्सस फेल इन लव विद अ डैश डॉटर, तो किसकी बेटी से प्यार हुआ था उसे, एम्परर की, पेंटर की, मिनिस्टर की या मास्टर की। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, किसकी बेटी से प्यार हुआ था। आयुष पाल मैंने मेंशन कर दिया है ज्वाइन कैसे करना है, एक बार आप देखो चैट स्क्रीन पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, पेंटर की बेटी से प्यार होता है, दैट्स रियली ग्रेट। और तुम्हें तो पता ही है कि प्यार में कितनी ताकत होती है, प्यार की ताकत से ये बंदा पेंटर बन गया, एक बहुत ही तगड़ा है ना, प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता है। और यहाँ पे तेज आंसर दिया है प्रथम, आनंद और साक्षी, तीनों बच्चों ने तेज आंसर दिया है यहाँ पे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द 3rd एलिमेंट कंपेयर्ड विद, ये जो 3rd एलिमेंट है उसको किससे कंपेयर किया गया है, चाइनीज पेंटिंग के अंदर मेनली बात हो रही है यहाँ, प्रेयर, ट्रैवल, योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम और निर्वाण। जल्दी बताओ भाई 3rd एलिमेंट को किससे कंपेयर किया है। योगिक प्रैक्टिस से, बिल्कुल सही कहा, जो मिडिल वॉइड वाला पार्ट है उसको योगिक प्रैक्टिस वाले पार्ट से कंपेयर किया गया है यहाँ पे, बिल्कुल सही कहा बेटा। 10 बजे नहीं थी क्लास, आज हमारी क्लास 9 बजे ही थी, वहां पे टाइम गलत सेट हो गया था। साक्षी टॉप पे चल रही है, अर्पण 2rd नंबर पे आ गए हैं, कैथी 3rd पे है, अदीपा 4th पे है, और साक्षी और अर्पण के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है, अगर अर्पण थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो वो पहली पोजीशन पे पहुंच सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द एसेंशियल थर्ड एलिमेंट? चाइनीज पेंटिंग के अंदर थर्ड एलिमेंट कौन सा होता है? बहुत आसान है, लेफ्ट वॉइड, मिडल वॉइड, यांग और यार येन। तो यांग और येन तो दो एलिमेंट्स होते हैं और उनके बीच का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? मिडल वॉइड होता है। ठीक है, मिडल वॉइड उनके बीच का एलिमेंट होता है। तो यहाँ 7 बच्चों ने यांग बोला है जो गलत है, मिडल वॉइड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अब यहाँ पे लीड किसने हासिल कर लिया देखते हैं हम जल्दी से। अंश 9th नंबर पे है, साक्षी पहले पे है, दूसरे पे अर्पण है, तीसरे पे आनंद। अरे भाई हैवी ड्राइवर साहब को दिल पे लग गई, 9th नंबर से तीसरे नंबर पे आ गए हैं धीरे धीरे करके। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपकी स्क्रीन पे जल्दी से देखो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अगर मिसक्लिक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। व्हाट डज द यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग मीन टू द व्यूअर? जल्दी बताओ आंसर फास्ट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एज ही सीज इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई लेट आया है तो भी ज्वाइन जरूर करना, पता चलेगा आप लोगों को कि जितने क्वेश्चन बचे हैं उनमें से कितना आपको आता है। आनंद, अर्पण और साक्षी, साक्षी के पॉइंट्स है 7400, अर्पण के 7200 है और आनंद के 6300 के लगभग है और प्रथम के 6100 है। आनंद और साक्षी और ये 3 बच्चे जो हैं इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेरी गुड। वेयर हैड द मास्टर हिडन द मास्टरपीस फॉर द एम्परर टू सी? जो मास्टर है उसने मास्टरपीस को कहाँ पे छुपाया था एम्परर को देखने के लिए? एम्परर देखे तो कहाँ से देखे? इन रूम बिहाइंड अ स्क्रीन, अंडरग्राउंड प्लेस बिहाइंड और कबर्ड, वेरी गुड। 15 बच्चों ने बोला है बिहाइंड अ स्क्रीन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एक कर्टेन के पीछे छुपाया था ताकि कोई और ना देख पाए और खाली एम्परर देखे। और यहाँ पे तेज आंसर दिया है अर्पण ने, वाह अर्पण, आनंद से गलत हो गया है, हैवी ड्राइवर जी से गलत हो गया है, तनु ने फास्टेस्ट आंसर दिया है और उमाशंकर जो है वो 10वें नंबर पे आ गए हैं। और अर्पण और साक्षी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर अर्पण अपने आप को थोड़ा सा किक करें, थोड़ा सा पुश करें तो ही विल बी एबल टू लीड दिस कॉम्पिटिशन। What does yang mean? बच्चों yang किसको कहा जाता है? yang किसको कहा जाता है? Mountain vertically towards heaven, stable warm, water horizontal and resting on the earth fluid, neutral action या receptive feminine aspect of universal energy. जल्दी बताओ yang किसको कहा जाता है बच्चों, जल्दी 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 बताएंगे। वेरी गुड, तो यांग कहा जाता है माउंटेन को, वेरी गुड। सर 16 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और देखते हैं क्या एजुकेट जो लीडर बोर्ड है उस पर कोई चेंज आया है। बेटा करना पड़ेगा, हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अर्पण और साक्षी के बीच में डेढ़ ज्यादा पॉइंट नहीं, ज्यादा से ज्यादा 130 पॉइंट्स का फासला है। और प्रथम अगर तुम्हें आगे आना है तो तुम्हें बहुत तेज आंसर देने पड़ेंगे और मुझे लगता है तुम तेज आंसर दे सकते हो, तुम आगे आ सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई रिप्रेजेंट? मतलब शेंशुई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी प्लेस, वर्शिप, माउंटेन वाटर या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताओ फास्ट, जल्दी 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 बताओ। शेंशुई क्या रिप्रेजेंट करता है? माउंटेन वाटर इज द करेक्ट वर्ड ऑप्शन हियर, वेरी गुड। तो यहां पे तेज आंसर इस बार किसने दिया है भाई? साक्षी, वाह, और देविका और प्रथम तुमने भी काफी तेज आंसर दिया है इस बार, वेरी गुड। कोशिश करते रहो बच्चों, कोशिश करते रहो। 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ट्वेल्थ क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों, फास्ट 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 फास्ट। तो यहाँ पे ट्वेल्थ आंसर क्या है, दैट इज व्हाट डिड द चाइनीज पेंटर वांट द व्यूअर टू डू, मतलब जो चाइनीज पेंटर है वो क्या चाहता है कि व्यूअर क्या करे। He wants the viewer to enter his mind. Chinese painter चाहता है कि जो viewer है वो उसके mind में enter करे. Very good. कोई दिक्कत नहीं निशांत. और यहाँ पे इस बार तेज आंसर दिया है अर्पण ने as compared to साक्षी, लेकिन सबसे तेज आंसर अदीबा ने दिया है और आदित्य और अंश की भी एंट्री क्लास के अंदर हो चुकी है. वेरी गुड बच्चू, लगातार कोशिश करते रहो भाई लोग, लगातार कोशिश करते रहोगे ना तो आप लोग आगे बढ़ते रहोगे. आदेश श्रीवास्तव को मेरा हाय. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों. व्हाट डज द चाइनीज लैंडस्केप डिपिक्ट, चाइनीज लैंडस्केप जो है वो क्या दिखाता है. They are not real and one can enter from any viewpoint. Very good. बेटा actual viewpoint European art दिखाता है, Chinese view art नहीं दिखाता है, तो ध्यान रखो. Hello आदेश, how are you dear? और यहाँ पे अर्पण से आंसर गलत हो गया है, साक्षी ने आंसर सही दिया है और तेज आंसर दिया है आदित्य ने, और अर्पण और साक्षी के बीच में अब गैप क्रिएट हो गया है काफी. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड दाओ मीन, दाओ जो है वो क्या दिखाता है, दाओ वर्ड का मीनिंग क्या है. परफेक्शन, बोथ द पाथ और द मेथड, मिस्ट्री और रॉयल, जल्दी बताओ. वेरी गुड आदेश. वेरी गुड, 11 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है. बाकी सब जो गलत दे रहे हैं बच्चों, एक बार वीडियो जरूर देखना, एक बार मेरी क्लास जरूर अटेंड करना, गलत नहीं होगा, अच्छे से अटेंड करना. वेरी गुड. और यहाँ लीडर बोर्ड में क्या कोई चेंज आया है, अर्पण और देविका से आंसर फिर गलत हो गया है, क्या बात है भाई. अर्पण देविका क्या हो गया, प्रथम आगे आ गया है, लेकिन प्रथम और साक्षी में लगभग आप ये मान लो 1600 पॉइंट का डिफरेंस है, 1600 पॉइंट का, 1600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला, ये तो मुझे पता है. वेरी गुड, क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड क्विंटन डू टू गेट इनटू अप्रेंटिसशिप, केला बनने के लिए कैसे क्या किया था उसने, तो उसने एक प्लाई बनाई थी मास्टर की लेटेस्ट पेंटिंग पे ना, जो रियल लग रही थी, जिसकी वजह से मास्टर इंप्रेस हो जाता है और बाद में उसकी अपनी बेटी से शादी भी करा देता है. हाय काजी. और यहाँ पे तेज आंसर किसने दिया है बच्चों, तेज आंसर दिया है यहाँ पे तनु ने. वेरी गुड तनु, कीप इट अप बच्चे, कीप इट अप. आप थोड़ा पीछे हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों. चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाई डिडंट द फादर अप्रूव ऑफ द लव ऑफ द डॉटर विद द ब्लैकस्मिथ, क्यों उसने अप्रूव नहीं किया था, ड्यू टू द प्रोफेशन, कास्ट, अपीयरेंस और व्हाट, जल्दी बताओ. हेलो कुणाल, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेन इसका आंसर था ड्यू टू द प्रोफेशन, प्रोफेशन की वजह से, क्योंकि वो एक ब्लैकस्मिथ था, है ना. वेरी गुड, 16 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने कास्ट भी बोला है जो सही नहीं है. और यहाँ तेज आंसर किसने दिया है, इस बार तेज आंसर दिया है आदित्य ने, हालांकि अर्पण भी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन पीछे हैं. अर्श कपूर कह रहे हैं आई एम अंश सर, वेलकम हियर डियर, वेलकम वेलकम ऑन अन अकेडमी क्लास 11th एंड 12th बच्चों. नेक्स्ट है, व्हाट डू द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ोनजी टीच, मतलब जो कॉन्फ्यूशियस की और ज़ोनजी की बुक्स हैं वो क्या टीच करती हैं, टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन,
नॉट फियर द सुपीरियर, टू नॉट टू सप्रेस योर थॉट्स, और नन ऑफ द अबव. बहुत आसान है. वेरी गुड. दिस इज द मिस्टर वाओ. वेरी गुड. प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशन बच्चे आंसर होगा. ठीक है. टू गाइड द डिसाइपल, मतलब चेले को गाइड करने के लिए. और इस बार तेज आंसर किसने दिया है देखते हैं हम. इस बार तेज आंसर दिया है अगेन तनु ने. वेरी गुड तनु. तनु इज डूइंग सुपर्ब वर्क. और साक्षी और प्रथम के बीच में 1600 पॉइंट का गैप अभी भी है. और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे बच्चों, पांच क्वेश्चन बचे हैं. पांच क्वेश्चन में कुछ करना पड़ेगा. व्हाट हैपेंड व्हेन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, मतलब जब पेंटर ने अपने हैंड्स को क्लैप किया था तो क्या हुआ था. जो पेंटिंग थी वॉल पे वो चली गई थी, पेंटर भी, या फिर एम्परर जो था वो केव में चला गया था, या पेंटर गिर गया था, या वॉल गिर गई थी. बहुत आसान क्वेश्चन है. चलो वेरी गुड. 14 बच्चों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है कि पेंटर गायब हो गया था, उसकी पेंटिंग गायब हो गई थी. और यहाँ अर्पण से आंसर गलत हो गया है. अर्पण थोड़ी सी और तैयारी आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, है ना. और साक्षी लीड करते हुए आदित्य ने फास्टेस्ट आंसर दिया है. वेरी गुड. सर एक बार फिर से पूरे बुक का मेंटी लेना बेटा. लूंगा, लेकिन उससे पहले जो अभी ले रहा हूं उसकी प्रिपरेशन करके दो आप लोग. वेयर डिड द पेंटर ड्रॉ द अटेंशन इन द पेंटिंग, पेंटिंग में पेंटर ने किस तरफ ध्यान खींचा था, जल्दी बताओ. Where did the painter draw the attention in the painting? तो put की तरफ, cave के. लेकिन यहाँ पे mentee में थोड़ा सा issue आ गया जिसकी वजह से ये answer consider नहीं किया गया. Put की तरफ था वैसे. Art is fun. मैंने quote डाल रखा है बच्चे. ठीक है. तो leader board रहेगा same. आगे बढ़ते हैं. Question number 20 पे. Question number 20 क्या कह रहा है बच्चों देखते हैं. Who was the Chinese emperor during the 8th century? 8th century के टाइम पे Chinese emperor कौन था? Tang emperor Xuzong, Zhongzhou emperor Zhuzi, Chenpen emperor Zhuzhen, Taizong emperor Zhuzhanglo. बहुत आसान है यार, ये तो ठीक होना चाहिए तुम लोगों का. अरे यार पांच लोग फिर भी गलत दे रहे हैं, पता नहीं कैसे पढ़ के आए हो तुम लोग, ये समझ नहीं आ रहा मुझे. और यहां पे तेज आंसर दे रहा है कौन देखते हैं जल्दी से. तनु. तनु ने फिर से फास्ट आंसर दिया है. वेरी गुड तनु. लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं बच्चों. लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं. Who did the Tang Emperor Xuzong commission to decorate a wall in the palace? किसको उसने बोला था decorate करने के लिए wall? Daozi, Wu Daozi, Wu Xiaomi और Zaimi. यहाँ पे कुछ बच्चों का आंसर गलत हो सकता है, वो पूरा अगर नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन, क्योंकि Wu Daozi करेक्ट आंसर है, Daozi करेक्ट आंसर नहीं है. और यहाँ पे भी मेंटी में थोड़ा सा इशू आते हुए, एंड सॉरी फॉर दैट दोस्तों. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे. लास्ट ऑप्शन क्या है बच्चों देखते हैं. लास्ट ऑप्शन है व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिड ऑथर कॉन्ट्रास्ट इन दिस चैप्टर, कौन से दो फॉर्म्स की कॉन्ट्रास्ट की यहाँ पे बात हो रही है. इंडियन एंशियंट आर्ट और चाइनीज आर्ट, चाइनीज और यूरोपियन आर्ट, अमेरिकन आर्ट और यूरोपियन आर्ट, और यूरोपियन आर्ट और ग्रीक आर्ट. जल्दी बताओ. कोई दिक्कत नहीं अनिका, कोई दिक्कत नहीं. और यहाँ 15 बच्चों ने बोला है चाइनीज एंड यूरोपियन, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. और यहाँ पे तेज आंसर दिया है किसने, साक्षी ने. इस बार तेज आंसर वैसे साक्षी ने नहीं दिया है, देविका ने दिया है, लेकिन साक्षी जीत गई है. और लीडर बोर्ड पे पहले नंबर पे साक्षी है, फिर प्रथम है, फिर देविका है, फिर तनु है, फिर अर्पण कुमार है, इसके अलावा आदित्य है, और हैवी ड्राइवर साहब है, आयुषी है, और निशु है. ये सारे बच्चे हैं. वेरी गुड सहिष्ठा. रमाकांत पूछ रहे हैं सर कल भी मेंटी क्विज है बेटा, कल भी मेंटी क्विज है, कल फोटोग्राफ का है. मेंटी है बच्चों, मेंटी है, कल फोटोग्राफ का मेंटी है. ठीक है.
वेरी गुड, साक्षी फिर से जीत गई है भाई। साक्षी को कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं, है ना? साक्षी को कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं भाई। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सारे बच्चे बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो मैंने एक चीज जो है वो फील करी है, और वो चीज क्या है मैं तुम सभी को बता देता हूं। वो चीज ये है बेटा, आप लेट आए तो हम कैसे खत्म करेंगे, खत्म नहीं करेंगे। नहीं बेटा 10 बजे का नहीं, 9 बजे का टाइमिंग था, वहां पे गलत शो हो गया था गलती से। ठीक है बच्चों सुनो, मैंने एक चीज यार नोटिस करी है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। कई सारे बच्चे जो आगे नहीं आ पा रहे, जो शायद एक रैंक से, दो रैंक से, तीन रैंक से, चार रैंक से पीछे रह रहे हैं। तो इसका रीजन है बच्चों, आप लोगों को वो पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। अगर वो पर्सनल अटेंशन आप लोगों को मिलती है तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और बहुत आगे भी आ सकते हो। ठीक है मेरी बात को समझना। और स्पेशली जो टर्म टू का एग्जाम है, तुम्हें पता है सब्जेक्टिव एग्जाम है, और वहां पे आंसर में मिस्टेक हो सकती है ग्रामर की, बहुत सारे बच्चों की ग्रामर में मिस्टेक हो सकती है। तो मैंने इसीलिए डिसाइड करा है कि जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं, जो भी 12th क्लास के बच्चे हैं, उनका स्पेशल क्लासेस में विद अ कॉल इनविटेशन, कॉल पे कनेक्ट होके स्पेशल क्लास में ऐप पे मैं बच्चों के डाउट्स को तो क्लियर करूंगा ही, लेकिन उनका रेक्टिफिकेशन करूंगा। क्या करूंगा? रेक्टिफिकेशन करूंगा। और रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, व्हेन यू आर आंसरिंग क्वेश्चन और व्हेन यू आर समराइजिंग द चैप्टर, व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग, तो उस टाइम पे आपकी इंग्लिश में अगर कोई भी ग्रामर मिस्टेक हो रही है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है या वोकैबुलरी में इशू आ रहा है, तो मैं उसको ऑन द स्पॉट रेक्टिफाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पे गलती है, इसको इम्प्रूव करना है, यहाँ पे गलती है, इसको इम्प्रूव करना है। तो ये चीज मैं करने वाला हूँ, ये उन्हीं बच्चों के लिए करने वाला हूँ जो बच्चे हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन में ही कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो वहां पे आप लोगों की एक एक मिस्टेक जो है, बारीक से बारीक मिस्टेक जो है, वो मैं ठीक करूंगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो ऐसा कहते हैं कि सर मुझे सारा का सारा चैप्टर आता है बट आई एम नॉट एबल टू कंपोज द आंसर, या उसके बावजूद मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। ठीक है, तो इसीलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्पेशल क्लास में आते हैं तो मैं आपके पर्सनली डाउट्स तो क्लियर करूंगा ही, लेकिन साथ के साथ आप लोगों को मौका दूंगा बोलने का, वहां पे समराइज करने का चैप्टर्स को इंग्लिश में बोलने का, और आपकी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करूंगा। तो मेक श्योर जो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन लेके देखें, SUTH10, ये कोड आपको यूज करना है, SUTH10 सुमित भैया का अपने कोड यूज करना है और स्टार्ट कर सकते हो। शिखा यादव, क्लास 12th की टाइमिंग क्या है मैं बता देता हूँ। क्लास 12th की टाइमिंग शाम को 4 बजे की है। आज शाम को 4 बजे रीडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, और अगर कोई 11th का बच्चा भी रीडिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करना चाहता है तो शाम को 4 बजे वाली क्लास अटेंड कर सकता है। ठीक है, और साक्षी आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा बेटा, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं ले रखा है तो आप ले लो। अर्पण आपको भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो भी बच्चे शुरू के 4th-5th पोजीशन पे है वो आगे कैसे आएंगे, उनकी एक एक प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व होगी, उन सभी बच्चों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। मोस्ट वेलकम शिखा, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बेटा, नोट्स तो भेजने ही है 10 बजे वाली क्लास के, और जो बाकी बच्चे हैं उन सभी को बता दूं जो वीडियो वाला टास्क मैंने दिया था, अगर किसी ने अभी तक वीडियो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर की बना के यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है तो वो जल्दी से अपलोड कर दो, क्योंकि कल आपकी लास्ट डेट है और 3 अक्टूबर को मैं रिजल्ट की अनाउंसमेंट करूंगा। साइश्ता आपको भी अगर आना है तो आप कर सकते हो, मैंने अभी शुरू के 5 बच्चों को बोला है, लेकिन ऑब्वियसली शुरू के 5 बच्चे तो और आगे आ सकते हैं, लेकिन पीछे वाले जो बच्चे हैं वो तो भाई ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज को। तो जो भी बच्चे प्लस पे अभी तक नहीं आए हैं
वो प्लस पे जरूर आएंगे। समझ में आया? क्लियर। और बच्चों आप लोगों के अनलिमिटेड डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूं और आप लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा करूंगा। बस अपने डाउट की पिक्चर को क्लिक करके आप लोगों को सेंड करना होता है और आई विल बी सॉल्विंग द डाउट। जो 11th क्लास के बच्चे जिन्होंने कॉम्बैट में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर कर लो। मेरा कोड यूज करना है SUTH10 और कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने से तुम लोगों को अपना पता चलेगा कि तुम कहां पे लाए करते हो, क्या आगे जाके जेई नीट को फोड़ पाओगे या नहीं फोड़ पाओगे। 12th के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं प्लस पे, 11th के भी नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं प्लस पे, तो गो फॉर दैट बच्चों, गो फॉर दैट। ये तुम्हारे लिए ही है सब कुछ, है ना। और लास्ट में बच्चों कहूंगा, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेने वाले हो, वेरी गुड सहिष्ता, ग्रामर के नोट्स नहीं मिल रहे बेटा, ग्रामर के मिल जाएंगे, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं। यश, शाम को मेंटी स्टार्ट हो जाएगी बच्चे, शाम को 7 बजे आप ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हुए मेरा कोड जरूर यूज करना SUTH10। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। मिलते हैं बच्चों अपनी अगली क्लास में, शाम को 4 बजे रीडिंग स्किल्स का प्रैक्टिस होगा, उस क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।